so sweet. Thank you. क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं. चूड़ियां हैं कच की. किसकी हैं? मारुख की. Oh, so this is her room. नहीं, सिर्फ चूड़ियां हैं उसकी. What a joke. अच्छा चीनी दो चमचे. वैसे आप ही ना जानू, बड़ा झूठ बोलते हो. आप तो कहते थे बिल्कीस बड़ी ब्यूटीफुल है, वो तो पूरी कीस है. पहले होती थी, मेरा मतलब है जवानी में. जवानी में तो कीस भी ब्यूटीफुल ही होती है. लव मैरिज थी? नहीं. अम्मी जी कहती हैं कि अगर मर्द ने पेरेंट्स के कहने पर शादी की हो ना, तो सारी उम्र लव मैरिज करने की कोशिशों में लगा रहता है. वैसे आंखें बड़ी हैं उसकी, टू बिग. अच्छा खाना कैसा पकाती है? टू गुड. तो फिर जाओ मरो उसके पास, खाना तक तो याद है उसका. मेरा मतलब है कि वो बस खाना ही अच्छा बनाती. थैंक्स. हा हा हा. अच्छा ये बताओ वो लड़का कौन था? लड़का कौन? लड़का? हाँ हाँ वही लड़का. वो जब चौक में स्कूटर से नहीं उतरी थी मैं, तो घूर घूर के देख रहा था मुझे. परले दर्जे का गुंडा है कमीना. नाउ आई अंडरस्टैंड. अभी मैंने खिड़की खोल के नीचे देखा ना, तो चौक में खड़ा घूर रहा था मुझे. मैंने भी खिड़की फटाक से बंद कर दी. तो अभी तक वो नीचे खड़ा? बाही को आया है. ठहरो मैं देखता हूं. तुम्हारे मुंह से तो पहले ही खून निकल रहा है. परी पैकर बन के मार गया कमीना. परी पैकर ने मारा तुम्हें? ये ना कहो परी पैकर ने मारा है, ये कहो परी पैकर से मार खाई है. मारने और मार खाने में स्लाइट सा फर्क होता है. पुरानी दोस्ती का लिहाज है वरना मुंह बंद देना इसका. जा ले जा इसको, अभी जाया हो जाएगा मेरे हाथों से. इसकी शक्ल देखो है और हिम्मत है किसकी. अब मारूंगा नहीं, मार डालूंगा तुझे. अब मेरी समझ में आया तेरे नाश्ते. बड़ी इज्जत करता था मैं तेरी, पर मिंट लगा कौसर बीबी नजरों से गिर गई है तू. व्हाट ए शेमफुल सरप्राइज.
बात सुन परी। शट अप प्लीज। अब तुम जाओ यहां से और आज के बाद यहां कभी मत आना। Some other time. ये शेख साहब की उम्र कितनी होगी? यही कोई महीना काट 55 पर उम्र क्यों पूछ रहे हैं उनकी? अब्बा जी मरहूम कहते थे कि 55 में किसी ना किसी पर बचपन जरूर आता है और हर एक पर नहीं आता और पर जिस पर आ जाए उस पर फिर 56 नहीं आता। और शट अप यार। शट अप क्यों कहा मुझे? और ऐसी क्या बात हो गई कि मैं तुम्हारी नजरों से गिर गई? उसे वहां देख लिया जैसे नई नई नफरत हुई है तुम्हें इसलिए, या फिर उसे देख कर लगा कि काम ही नहीं है, कौसर का आशिक है। बुरी बात है परी पैकर, जिसको नजरों पे बिठा के रखते उस पर एतबार भी करते, पर खड़े खड़े नाश्तों का ताना दे दिया, मेरी आंखों में भी पूरे नहीं आते तुम। लगता है मेरी नजरों से भी गिर गए हो तुम। वो रह गए हैं बस उधार वाले 500, दे जाऊंगा किसी दिन, मतलब के भिजवा दूंगा किसी के हाथ। और इसके अलावा 2-4 दिन यहां रहने, कुछ खाने पीने, और टिश्यू के साथ जो खून साफ किया था उसका भी कोई बिल है तो बता देना। अब क्या है? वो कामी पर गुस्सा था तो पता नहीं उसे मैं तुम्हें भी कुछ कह गया, अब सॉरी करने आया हूं, वेरी सॉरी। इट्स ओके। इट्स ओके नहीं, अली अंकल रात के 2 बज रहे हैं, भूख से जान निकली जा रही है, खाना लगाइए प्लीज, वो नहीं आएगा। तो ना आए, हम तो इंतजार करेंगे।
ऐसे पता नहीं याद भी होगा कि नहीं। याद तो होगा, हमें याद है तो उसे भी याद होगा। बट दिस इज वेरी नेगेटिव थिंकिंग। हम दूसरों को हमेशा गलत समझते हैं, सोच लेते हैं कि हमारे अलावा सब झूठ बोलते हैं। किसी को जरा देर हो जाए तो हम समझते हैं कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं उसे तो आने की जल्दी नहीं। मान लेते हैं कि हम दिल के सच्चे हैं और बाकी सब झूठे हैं। बस हम हैं कि याद करते हैं और वो हैं कि भूल जाते हैं। याद करना वलियों का काम है स्वीट हार्ट। इस फलसफे का पता चल जाए तो आदमी कभी ना कहे कि कोई हमें भूल गया। बिलीव मी, दुश्मन को याद करो तो वो भी वापस याद करता है आपको। मुझे भी भूख लग रही थी, मैं भी याद कर रहा था उसको। बिलीव मी, दुश्मन को याद करो तो वो भी वापस याद करता है आपको। वैसे मैं रात का खाना लेट ही खाता हूं, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, 2 बजे कभी नहीं खाया। आई होप इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। लड़कियां रोएं तो उन्हें गौर से नहीं देखते। आ जाओ, खाना गर्म करने में वक्त लगेगा। आओ। ये क्यों कहा आपने कि लड़कियां रोई तो उन्हें गौर से नहीं देखते? एक दफा गौर से देखा था मैंने। एक मैयत पर भी एक लड़की ऐसी थी जो रो नहीं रही थी। फिर जरा मजीद गौर से देखा तो पता चला कि वो उसी लड़की की मैयत थी। कत्ल के एक केस में मुजरम को फांसी की सजा हुई तो मक्तूल की मां मेरे सामने बैठकर रोने लग पड़ी। मैं समझा खुशी से रो रही है। मैंने मुबारकबाद दी तो कहने लगी, मुबारक ना दो, पता नहीं उसकी मां का क्या हाल होगा। प्लीज बी सीटेड। बैठी। एक दफा दोपहर के वक्त मैं अपने स्टडी रूम में एक केस की तैयारी कर रहा था। खिड़की खुली थी, बाहर बहुत सख्त गर्मी थी। इतने में क्या देखता हूं कि दो बुरका पोश खवातीन आकर बाहर शेड के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गईं।
कहीं दूर से आई होंगी शायद, हांप रही थी। खिड़की पर जाली लगी हो तो दिन के वक्त बाहर से दिखाई नहीं देता कि अंदर बैठा कोई सुन रहा है। जरा सस्ताने के बाद उनमें से एक बोली, नी एथे रोना शुरू करिए कि अग्गे जाके। वेरी फनी। पहले मैं भी यही समझा था कि इट्स वेरी फनी, पर पता चला कि लड़कियां अपने सारे गम अपने दिल में संभाल कर रखती। अपने गम संभाले हों तो दूसरों के गम चुभते रहते, और इस चुभन से अक्सर अपना अपना कोई गम रिसने लगता है, और हमें लगता है कि लुबना हमीद रो रही है। में खाने को कुछ है? स्वेटी को भूख लगी है, जहर पड़ा मेरे पास, खिलाऊं? मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। बिल नहीं देते आप? कट गई। कितना बिल है? 8 महीने का केस लड़े हो तो बोलो कितने में लड़ोगे? मैं देता हूं पैसे, आप आज ही बिल भरो और बिजली चालू कराओ। पहले खाना खा लो फिर बात करते। मेरा मतलब है केस की जो फीस है वो तो आपका राइट बनता है, और मैं कोई कंसेशन की बात भी नहीं करूंगा। आपने जो लेना है बताओ, लुबना जी के सामने बताओ। देखो ना, बिजली के बगैर भी कार कोई कार नहीं होता। प्लेट में चम्मच रखो, रखो प्लीज। हाथ साफ करो। अब आओ मेरे साथ, पहले बैठकर फीस तय कर लें, फिर खाएंगे खाना। मैं तो कह रहा था, मेरा मतलब है आप तो गुस्सा ही कर गए हो। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास?
मियां जी की जान बचाने के लिए कितने दे सकते हो? अच्छा चलो यही बता दो, अगर जान की कीमत लगे तो तुम्हारे हिसाब से कितनी होगी? मोहब्बत की कितनी कीमत है और दोस्ती के लिए क्या दोगे? ना करो जलाली साहब, जान की कीमत है ना मोहब्बत की, और दोस्ती कोई दुकानों पे बिकती है। चलो अब बैठ जाओ और चुपचाप खाना खाओ। साल में एक बार खाना बनाता हूं अपने लिए या फिर उसके लिए जो लगे कि अपना है। वरना बाजार से खाना लेकर खा लेता हूं। खाने की भी कीमत होती है लेकिन मेरी तरह पकाने की कोई कीमत नहीं है। मियां जी 2 दिन रहे थे मेरे पास तो उनसे दोस्ती हो गई थी, और तुम ऐसे दुश्मन हो कि दोस्ती में दोस्ती की फीस पूछते हो। और बिजली यहां इसलिए नहीं है कि यहां बिजली है ही नहीं। इज्जत और आबरू से जीने का एक तरीका यह भी है कि जो कुछ है और जितना भी है उस पर गुजारा करो, और मैं कर रहा हूं ताकि हुकूमत को मेरी मिन्नत ना करनी पड़े, रोज टीवी पर आकर यह ना कहना पड़े कि जलाली बिजली कम खर्च करना, ज्यादा बल्ब ना जलाना, एसी का थर्मोस्टेट 26 पे रखना, एनर्जी सेवर जलाओगे तो बिल कम आएगा। कोई इनसे पूछे जिसने बिल देना है वो बेवकूफ है? तुमने ये तो बताया नहीं कि खाना कैसा है। गुड, वेरी गुड। अरे कामी, तू कब आया? मैं 15 मिनट पहले आया, देखा आप सो रहे थे तो सोचा 15 मिनट और सो जाओ। या अल्लाह, लड़ाई मुक गई उसके साथ। किसके साथ? ये तेरा परी पैकर है, उसके साथ। वो मेरा नहीं है मियां जी, किसी का नहीं है वो। एक बात तहकीक करके कह रहा हूं मियां जी, जो आदमी 15 साल की मोहब्बत में मशहूक का नहीं होता तो वो फिर किसी का नहीं होता। बकवास क्यों कर रहा है कमीने? दुश्मनी क्या है तेरी उसके साथ?
और कब हुई है दुश्मनी? मैं समझा किसी बात पर मूड खराब हो गया है तेरा, तो चलो कड़ी दो कड़ी मुंह का जायका बदलने के लिए लड़ाई करनी होगी, पर तूने तो फौज ही उसके बॉर्डर पर लगा दी है। क्या किया है उसने और बताया ना? आप भी सादे हो मियां जी, उसके अदब करने, पैरों को हाथ लगाने, हाथ उठाकर आपको मियां जी वारस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर कहने पर कुर्बान हो गए हो। पर मियां जी बगैर सुने मन लो, नस्ल का सप है वो, डंग लुका के फिरता है। अरे चल फुट जा यहां से, दे जा अपना नाश्ता वरना छुड्डा मार के डोल दूंगा तेरे सिरी पावे और जुबान की बोटी। चल शाबाशे, नहीं खानी तेरी लाई हुई कोई चीज, और निकल मुंह ना देख मेरा। आज पैसे नहीं थे नाश्ता खरीदने के, मुंदरी देकर नाश्ता लेकर आया हूं, और आप कहते हैं ठुड्डा मार के डोल दूंगा। सिरे पाए और जुबान की बोटी।